कोई बात होगी अभी भूषण शरण को लेकर के यूपी जो है राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, खाप पंचायत से लेकर के सारे आंदोलन, ये विषय कुश्ती संघकार पहलवानों के बीच का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर सरकारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो जो रिपोर्ट देंगी उसी आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। राजनीति का केंद्र यूपी बनता जा रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, राजनीति मैंने जो आपको कहा ना उतना मेरा, ये कुछ सुनिए, कुश्ती संघ और पहलवानों के विवाद, कुछ लोगों ने शिकायत की है, उसका मुकदमा दर्ज है, जांच हो रही है, जो जांच रिपोर्ट आई उसी के आधार पर कार्रवाई। 2024 को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गवर्नर पर आप क्या कहेंगे, आज क्या इतनी मांग है? नहीं, मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश का काम है पार्टी का, और पार्टी के कार्यक्रम अभियानों के लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में, ये हमारा अभियान है, एक महीने चलने वाला अभियान है। इस अभियान की हमारी अपेक्षा ये है कि हमारा एक कार्यकर्ता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में घर घर तक जाए। विपक्ष एकजुट हो रहा है, अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, विपक्ष 2017 में भी एकजुट था, सपा कांग्रेस साथ, 2019 में भी एकजुट था, 2022 में भी, आज कहाँ है 2017 के गठबंधन वाले लोग, 2022 वाले बहन जी कहाँ हैं आज गठबंधन का, 2022 में जो गठबंधन में थे उन साथियों के अखिलेश जी के बारे में क्या रहा है? तो देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है, और लगातार जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकारें और हमारे कार्यकर्ता एक लगातार जनता के बीच में लगातार रहते हैं, ये लोग सीजनल हैं, चुनाव जब आएगा तो गठबंधन के माध्यम से, इधर उधर की बातों के माध्यम से, और सारे विषय जनता के जो विषय हैं उन जनता के विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह का ही ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है।